म्यूजिक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आ गई आपके साथ नेक्स्ट क्लास को लेकर के। तो ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा प्रीवियस क्लास से डिफरेंट है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स मींस ये किससे रिलेटेड है? इंग्लिश से रिलेटेड है या हिंदी से रिलेटेड है? नो, ये किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड है। तो यहाँ हम आज की क्लास में मैथ्स मैजिक पढ़ेंगे। ओके, नंबरों के साथ हम नंबरों को लिखना सीखेंगे डॉटेड लाइन को ज्वाइन करके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? या चलो, सो वी विल स्टार्ट विथ अ ब्लू और रेड। बताओ जल्दी से कौन से कलर से? रेड से करना है। ओके, तो देखो पहले क्या बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, उसके आगे भी एक लाइन है और नीचे भी लाइन है। जब हम इन तीनों लाइन को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक नंबर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीट इट मेरे साथ ही, आपको बोलना है ये कौन सा नंबर है? वन। कौन सा नंबर है? वन। अब वन के बाद जो नंबर है इसकी हम डॉटेड लाइन को ज्वाइन करके जो कलरफुल नंबर हमने रेडी किया है इसको हम बोलते हैं टू। क्या बोलते हैं? टू। अब हम फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं। वन मीन्स वन फिंगर, वन मीन्स वन फिंगर, वन मीन्स वन कलर भी हम ले सकते हैं। ये क्या है? वन कलर है। ओके, अब सेकेंड नंबर में क्या है? टू कलर्स हैं, तो ये क्या हो गया? टू। अब थ्री है, इसके बाद क्या है? थ्री। तो हमने बना लिया नंबर थ्री। इट मीन्स इफ वी हैव थ्री कलर्स तो ये नंबरिंग में कितने कलर्स हो गए? थ्री हो गए। तीन है ना यहाँ पे, इट मीन्स ये क्या है? थ्री है। अब थ्री के बाद आता है क्या? आता है जल्दी बताओ, किसी को पता है क्या? थ्री के बाद आता है फोर। फोर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप कोशिश करोगे तो जरूर बनेगा और दिखने में भी कितना प्यारा है। तो फोर हम कैसे काउंट करेंगे? एक वन कलर, टू कलर, थ्री कलर एंड वन मोर, फोर। तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा? फोर। अब नेक्स्ट क्या है फोर के बाद? फोर के बाद क्या है? फाइव। फाइव बनाने में बड़ा मजा आता है। देखो एक लाइन खींचा, फिर एक छोटी सी लाइन खींची, उसके बाद एक आधा सा सर्कल बना दिया, हाफ सर्कल बना दिया, तो ये क्या हो गया? फाइव हो गया। फाइव मीन्स वी कैन से वन कलर, टू कलर, थ्री कलर, फोर कलर एंड फाइव। ये कितने कलर्स हुए? फाइव। ये हमारा नंबर कौन सा है? फाइव। ओके डन। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइव के बाद क्या आता है? सिक्स। तो सिक्स को हमने ज्वाइंट कर लिया है ऐसे। अभी बताओ सिक्स कलर में हम कितने कलर्स लेंगे? वन कलर लिया, फिर उसके बाद लिया ये टू हो गया, फिर थ्री, देन फोर, देन फाइव। कंप्लीट हो गया? हुआ नहीं, अभी हमें इसमें एक और लेना है। ये क्या हो गया? सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारा नंबर है सिक्स। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्या है सिक्स के बाद? सेवन। सेवन को हमने ज्वाइन किया ऐसे और पेट को उसको कट कर दिया। पेट को कट कर दिया तो क्या बन गया? सेवन बन गया। और सेवन कलर आपको लेने हैं, जल्दी से जल्दी बताओ। ये कितने हुए? वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स एंड वन मोर। तो ये कौन सा नंबर बन गया? नंबर सेवन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है नंबर एट। ये देखो नंबर एट बनाना कितना इजी है। अभी एक गोला बना लिया, सर्कल बना लिया छोटा सा, उसके नीचे फिर से उतना ही साइज का एक और सर्कल बना लिया, क्या बन गया? नंबर एट। और इसी तरह हम कलर कितने ले लेंगे? एट कलर्स, तो वो कंप्लीट हो जाएगा नंबर
हिट। देन आफ्टर क्या, कौन सा कलर बनाना है हमें, कौन से कलर से बनाना है, पिंक से। नेक्स्ट नंबर बनाना है 9। ये हो गया 9। नेक्स्ट क्या है, एक लाइन बनाया 1। ये 1 हुआ ना, 9 के बाद 1 लिखा और उसके पीछे एक बड़ा सा 0 लगा दिया, तो क्या हो गया, वो 10 हो गया। ठीक है, अगर ये 0 हम पहले लगाएंगे तो वो 1 रहेगा, लेकिन अगर ये 0 हमने बाद में लगा दिया 1 के, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो ये हमारे पास कितने कलर हो गए टोटल, 10 कलर हो गए ना। तो ये हम 10 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 10 तक काउंटिंग सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ मिलते हैं 11 से लेके। ओके, बाय बाय बच्चों।